हाय गाइस, वेलकम बैक टू जीएम जॉली प्रॉपर्टी बाजार। मैं हूं आपकी होस्ट जॉली यादव। और दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक 2 BHK फ्लैट जिसकी लोकेशन रहेगी मोहन गार्डन। ये आपका द्वारका मोड मेट्रो स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 600 मीटर के डिस्टेंस पर है। प्राइम लोकेशन पर आज की हमारी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। मैं आपको इस फ्लैट का टूर कराऊं, उससे पहले मैं आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये आपके 200 गज के प्लॉट साइज में बनी हुई है एंड यहाँ पर आपके लिए 2 BHK एंड 3 BHK दोनों तरीके के फ्लैट्स हैं। जो आपके 2 BHK फ्लैट हैं, जिन्हें कि मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, उनका जो कारपेट एरिया है वो रहेगा 55 गज एंड सुपर एरिया रहेगा 60 गज। वहीं यहाँ पर आपके पास 3 BHK फ्लैट्स का भी ऑप्शन है। तो जो 3 BHK फ्लैट है उसका कारपेट एरिया रहेगा 90 गज एंड एक फ्लोर पर सिर्फ और सिर्फ 3 फ्लैट रहेंगे। 2 रहेंगे आपके 2 BHK फ्लैट एंड एक रहेगा आपका 3 BHK फ्लैट एंड पूरी बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ 12 फैमिलीज ही रहेंगी। एंड सब आपको यहाँ पर बैंक से लोन भी मिल सकता है। 80-90% आप यहाँ पर लोन अवेल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल। तो ये तो थी गाइज हमारी इस प्रॉपर्टी की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको ये फ्लैट दिखाऊंगी, इस प्रॉपर्टी का बाहर से एलिवेशन दिखाऊंगी। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को चेकआउट करते हैं। मैं प्रॉपर्टी के फिलहाल बाहर खड़ी हुई हूँ। आप देख सकते हैं इसका एलिवेशन काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ प्रॉपर्टी का एलिवेशन है। 4-story बिल्डिंग है ये। प्लस आप ये सामने का रोड देखिए, लगभग आपका 30 फीट वाइड रोड मिल रहा है आपको प्रॉपर्टी के बिल्कुल सामने ही। एंड हम प्रॉपर्टी के अंदर भी आते हैं तो आप देखिए यहाँ पर कितने आपको 2 बड़े बड़े गेट मिल रहे हैं। दैट मीन्स आपकी 4-wheeler काफी इजिली यहाँ पर अंदर आ सकती है। एंड दिस इज दी पार्किंग एरिया, यहाँ पर आप अपनी व्हीकल्स पार्क कर सकते हैं। तो काफी बड़ा आपको यहाँ पर पार्किंग एरिया मिल रहा है। इनफैक्ट पूरे पार्किंग एरिया में प्रॉपर आपकी फॉल सीलिंग है, सीलिंग लाइट्स के साथ। साथ ही साथ आप ये देखिए, आपको यहाँ पर हाफ वॉल लेंथ तक टाइलिंग भी मिल रही है। तो काफी अच्छे से यहाँ पर टाइलिंग यूज की गई है। प्रॉपर आपकी सिक्योर्ड प्रॉपर्टी है। एंड हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, तो यहाँ से आप अपने फ्लैट के लिए ऊपर जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों के लिए रहेगी लिफ्ट। एंड 4-story बिल्डिंग है जैसे कि मैंने आपको बताया था। एंड अब मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे 2 BHK फ्लैट की तरफ, जो कि मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ। तो चलिए चलते हैं फ्लैट में। एंड गाइस, ये है आपके 2 BHK की मेन एंट्रेंस एंड मेन एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही रहेगा आपका ड्रॉइंग एरिया। तो मैं आ चुकी हूँ आपके 55 गज के 2 BHK अपार्टमेंट के ड्राइंग एरिया में। ये देखिए, ये रहेगा आपका ड्राइंग एरिया। पीछे आप सबसे पहले इस वॉल पे देखिए, यहाँ पर आपको मिल रहा है वॉलपेपर। ये आपका सेमी फर्निश्ड फ्लैट है, यानी कि जैसा आप यहाँ पर आप चीजें देखेंगे, जो भी चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं, जो भी चीजें यहाँ पर लगाई हुई हैं, सब कुछ आपको सेम एज इट इज डिलीवर की जाएंगी। प्लस ये एक्चुअल फ्लैट है, यहाँ पे मूवेबल आइटम्स नहीं है, सैम्पल अपार्टमेंट ये नहीं है। यानी कि जैसा आप देखेंगे सेम एज इट इज क्लाइंट को डिलीवर किया जाएगा। सो लाइक आई वाज सेइंग, ये वॉलपेपर आपको मिलेगा। साथ ही साथ हम फॉल सीलिंग की भी बात कर लेते हैं। तो ये फॉल सीलिंग आप देखिए, सेम एज इट इज आपकी फॉल सीलिंग रहेगी ड्राइंग एरिया में। साथ ही साथ हम आपको सीलिंग लाइट भी लगा के दे रहे हैं। एंड ये मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं आपका LED पैनल। LED पैनल भी हम पूरा आपको कंप्लीट करके दे रहे हैं, पूरा वुडन वर्क हम कंप्लीट करके दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपनी TV लगा सकते हैं। एंड ड्राइंग एरिया के मैं साइज को डिस्कस करूँ तो ये रहेगा आपका 13x9 स्क्वायर फीट के साइज में, विच इज अ वेरी डिसेंट साइज। सो हमने ड्राइंग एरिया देख लिया है। ड्राइंग एरिया के बिल्कुल साथ ही रहेगी हमारी किचन। तो यहाँ पर आपको मिल रही है L-shaped किचन। किचन भी काफी डिसेंट साइज में आपको मिल रही है। यहाँ सामने रहेगा आपका वॉशिंग एरिया। एंड वॉशिंग एरिया के बिल्कुल नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पर आपको एक विंडो भी मिल रही है फॉर द पर्पस ऑफ वेंटिलेशन। फिटिंग्स की हम बात करें तो जैगुआर की आपको फिटिंग मिल रही है किचन में, मतलब कि ब्रांडेड फिटिंग्स यूज की हुई हैं। एंड उसी के साथ साथ आप देखिए कैबिनेट्स आप देख सकते हैं, ऊपर एंड नीचे काफी सारे यहाँ पर कैबिनेट्स हैं। मतलब स्टोरेज एरिया काफी ज्यादा अच्छा है। आपके किचन के सारे बॉक्सेस इनमें आप स्टोर कर सकते हैं बहुत ही इजीली। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको चिमनी भी लगा के दे रहे हैं,
तो यहाँ पर आपको चिमनी हम लगा के दे रहे हैं, इसके नीचे आप अपना हॉफ प्लेस कर सकते हैं एंड ग्रेनाइट का आपका स्लैब रहेगा, बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग के साथ आपको स्लैब भी मिल रहा है। विद दैट आप टाइलिंग देख लीजिए, यहाँ पर हम आपको फुल वॉल लेंथ किचन में टाइलिंग दे रहे हैं, तो सेम एज इट इज आपकी टाइलिंग रहेगी एंड यहाँ पर आप अपना रेफ्रिजरेटर भी प्लेस कर सकते हैं गाइज। सो किचन हम देख चुके हैं, ड्रॉइंग एरिया हम देख चुके हैं एंड ड्रॉइंग एरिया के बिल्कुल दोनों तरफ, इस तरफ एंड इस तरफ रहेंगे आपके दो बेडरूम्स। तो पहले मैं लेके चलती हूँ मेरे राइट हैंड साइड के बेडरूम में एंड दिस इज योर बेडरूम नंबर वन। सबसे पहले इसके साइज को मैं डिस्कस कर लेती हूँ, तो ये रहेगा आपका 10x11 स्क्वायर फीट के साइज में, जो कि बहुत ही डिसेंट साइज है। अगेन आपको इस वॉल पर वॉलपेपर हम लगा के दे रहे हैं, आपके पास वॉलपेपर में ऑप्शन रहेंगे, ये नहीं तो आप दूसरा भी चूज कर सकते हैं। प्लस आप ऊपर फॉल सीलिंग देखिए, बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर फॉल सीलिंग है, सिंपल येट बहुत एलिगेंट लुक दे रही है। तो ये आपकी फॉल सीलिंग सेम एज इट इज रहेगी विद सीलिंग लाइट एंड ऑन दिस वॉल वी आर गिविंग यू अ एलईडी पैनल। हम आपको एलईडी पैनल पूरा कंप्लीट करके दे रहे हैं, पूरा वुडन वर्क हम कंप्लीट करके आपको दे रहे हैं, तो ये एलईडी पैनल भी सेम एज इट इज रहेगा। प्लस इस रूम में आपको एक वार्डरोब भी मिल रही है, ये वार्डरोब आपका स्पेस रहेगा पूरा, आपको कंप्लीट वुडन वर्क के साथ हम आपको ये वार्डरोब भी दे रहे हैं एंड रूम में आपको एक अटैच्ड वॉशरूम भी मिल रही है। सो दिस इज द वॉशरूम गाइज, पूरी सैनिटरी फिटिंग्स के साथ हम आपको ये वॉशरूम दे रहे हैं, ब्रांडेड फिटिंग्स हैं, अगेन जैगुआर की आपकी फिटिंग्स रहेंगी। प्लस आपको ये मिरर भी इंक्लूड करके दिया जा रहा है एंड वॉशरूम में आपको एक विंडो भी मिल रही है, विंडो अगैन फॉर द पर्पज ऑफ वेंटिलेशन। सो ओवरऑल पूरी कंप्लीट करके हम आपको वॉशरूम दे रहे हैं एंड इस रूम में आपको मिल रहा है बालकनी का एक्सेस, तो यहाँ पर आपको एक अटैच बालकनी मिल रही है, तो ये बालकनी का आपका एक्सेस है एंड दिस इज द बालकनी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बैक साइड का अपार्टमेंट है, तो आप पीछे का यहाँ पर व्यू भी देख सकते हैं, इस तरीके से रहेगा एंड ओवरऑल काफी डिसेंट साइज में आपको बालकनी मिल रही है एंड आप ये देखिए सेफ्टी पर्पज के लिए आपको पूरी यहाँ पर कवर करके हम आपको बालकनी दे रहे हैं, पूरी आपकी ये कवर्ड रहेगी, रेलिंग आपकी इस तरीके से रहेगी, आपकी ये लोहे की यहाँ पर रेलिंग आपको हम दे रहे हैं, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेन होती है और उसका हमने पूरा ध्यान रखा हुआ है। साथ ही साथ इसी बेडरूम के बिल्कुल सामने रहेगा हमारा बेडरूम नंबर टू, अगेन इसके साइज का वही हम डिस्कस कर लेते हैं, तो ये भी आपका रहेगा 10x11 स्क्वायर फीट के साइज में, जो कि अगेन काफी डिसेंट साइज है एंड यहाँ पर भी हम आपको एक वॉल पे वॉलपेपर लगा के दे रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर वॉलपेपर लगाया हुआ है। प्लस आप इस रूम की फॉल सीलिंग भी देखिए वीडियो में, काफ़ी प्यारी सी फॉल सीलिंग है, ये भी हम आपको कंप्लीट करके दे रहे हैं सीलिंग लाइट्स के साथ एंड इस बेडरूम में भी आपको मिल रही है एक अटैच्ड वॉशरूम गाइस, तो ये आपकी वॉशरूम है। टाइलिंग आप देखिए काफ़ी प्यारी काफ़ी यूनिक टाइलिंग है, सेम एज इट इज आपकी टाइलिंग रहेगी। प्लस वॉशरूम में पूरी सैनिटरी फिटिंग्स आपको कंप्लीट करके दी जा रही है, वैनिटी हम बना के दे रहे हैं, मिरर आपको लगा के दे रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर हम आपके लिए गीजर का प्रोविजन भी बना के दे रहे हैं, तो ओवरऑल पूरी कंप्लीट करके वॉशरूम दे रहे हैं। ओ माय गॉड सी कितनी खूबसूरत हम आपको यहाँ पर वार्डरोब भी दे रहे हैं, तो ये पूरे आप तो ग्लास के साथ आपको ये वार्डरोब मिल रही है, जिसके अंदर स्टोरेज का एरिया आप देखिए बहुत ही अच्छा स्टोरेज का एरिया भी दे रहे हैं, तो ओवरऑल काफी डिसेंट साइज में आपका ये बेडरूम भी है एंड ये 2BHK अपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, एक छोटी फैमिली के लिए परफेक्ट है। अगर आपको ये 2BHK अपार्टमेंट ये फ्लैट पसंद आया गाइस तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए एंड अगर आपको इसका प्राइस जानना है या इसे आके यहाँ पर विजिट करना है, इसे खरीदना है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं आपसे मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।